नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बिल्कुल नया प्रैक्टिकल प्रयोग लेकर आए हैं, जिससे तकरीबन मैन्युफैक्चरर परेशान है कि अपने डिटर्जेंट के अंदर वो स्लैरी की मात्रा भी अच्छी डालते हैं, सोडा ऐश भी अच्छा डालते हैं, अन्य फोम बूस्टर भी अच्छा डालते हैं, फिर भी कस्टमर की संतुष्टि नहीं हो पाती कि उसके अंदर फोमिंग की शिकायत हरदम बनी जाती है। मार्केट में कई तरह के प्रोडक्ट हैं जो कि अलग अलग नाम से लोग बेच रहे हैं। वो क्या बोलते हैं कि इससे फास्ट फोमिंग आएगी। तो दोस्तों, आज हम आपको ये फास्ट फोमिंग कैसे आती है इसको हम करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, हमने ये पानी लिया, ये देखिए पानी में पहले से कुछ नहीं। अब हम इसके अंदर डिटर्जेंट डालते हैं। हमने एक चम्मच इसके अंदर डिटर्जेंट डाला, देखिए दोस्तों डिटर्जेंट पानी के अंदर बिल्कुल घुल गया। मगर हर डिटर्जेंट के अंदर जब तक अच्छे से हाथ नहीं चलाते तब तक फोमिंग नहीं आती। तो दोस्तों, किस तरह से ये फास्ट फोमिंग आए कि बगैर हाथ लगाए, बगैर हाथ चलाए या वॉशिंग मशीन से भी बिल्कुल फोम बाहर आए, ऐसे क्या चीज़ है जो इसके अंदर हम डाल सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, ये हम आपको प्रैक्टिकल प्रयोग दिखा रहे हैं, बाद में हम इस आइटम का आपको नाम बताएंगे। देखिए, हमने इसके अंदर डाला और अब आप फोमिंग देखिए। देखिए, ये इस गिलास से बिल्कुल बाहर फोमिंग आ गई। अब हम आपको दिखाते हैं कि सरफ और ये केमिकल जो हम आपको बताना चाह रहे हैं इसको मिलाकर कैसे रिजल्ट आते हैं। जैसे एक चम्मच ये सरफ और कुछ मात्रा इस प्रोडक्ट की, ये दोनों को हमने आपस में मिक्स किया। अब देखिए, इसको फिर से हम दूसरे खाली गिलास के अंदर डाल रहे हैं। देखिए दोस्तों, अब देखिए ये डिटर्जेंट किस तरह से वर्क कर रहा है। हमने इसके अंदर कोई चम्मच नहीं लगाया, किसी तरह से हिलाया नहीं, ये फोम कितनी फोम ऊपर आ गई। अब इसको जरा सा हम हिलाते हैं, देखिए अब ये पूरी तरह से इसके अंदर घुल गया और ये फोम फिर बाहर आने को तैयार है। फ्रेंड्स, ये केमिकल डालने से आपके प्रोडक्ट की क्लीनिंग भी बढ़ेगी और जो फोमिंग की शिकायत मार्केट के अंदर बनी रहती है उससे भी आप छुटकारा पाएंगे। तो अब देखिए दोनों के झाग बिल्कुल स्टेबल है। फ्रेंड्स, अगर आप अपने प्रोडक्ट के अंदर ये डालना चाहते हैं तो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। आप किसी भी किराना स्टोर से लेकर इसको अपने प्रोडक्ट के अंदर डाल सकते हैं या किसी केमिकल की दुकान से लेकर अपने प्रोडक्ट के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रैक्टिकल पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपने मित्रों के पास भेजें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। तो दोस्तों, अब हम आपको
बताते हैं जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है कि क्या है ये प्रोडक्ट। दोस्तों ये कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं कि मार्केट में अवेलेबल ना हो, मार्केट में हर जगह अवेलेबल है, हर करियाना स्टोर पर अवेलेबल है। दोस्तों ये सेट्रिक एसिड होता है। सेट्रिक एसिड को आप मिक्सर ग्राइंडर में पीस के अपने प्रोडक्ट के अंदर डालें और ये प्रैक्टिकल करके देखें। तो दोस्तों हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इससे हमारा मोटिव बढ़ता है और हम आपको जब जब टाइम लगता है नई नई जानकारी आपको देते रहते हैं और देते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।